हेलो दोस्तों, नमस्ते। मोहन देवरिया ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों देखिए, मतलब आज काम पे नहीं गया क्योंकि आज काम मिला नहीं हमको। तो दोस्तों देखिए, मतलब आज आया हूँ गांव के बगीचे में और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर वीडियो बनाने में, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, क्या बताए आप लोग को। तो देखिए दोस्तों, कल गया था भाभी जी से मिल के आया, बहुत अच्छा लगा हमको और मतलब जितना हो सके हमको सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों देखिए, मतलब अभी इस गेटअप में आप लोग को कैसा दिख रहा हूँ कमेंट में आप लोग बताइएगा दोस्तों कि मैं कैसा दिख रहा हूँ आप लोग को। तो दोस्तों देखिए, मतलब अभी गांव के बगीचे में आया हूँ और आप लोग को कैसा दिख रहा है यहाँ का बगीचा बताइएगा। आम वाम फरा है दोस्तों, जिनको खाना है बताइएगा, जरूर तोड़ के भिजवा देंगे, कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, मतलब राजमिस्त्री का काम भी करता हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों, साड़ी पहन के वीडियो भी बनाता हूँ, क्या बताएं दोस्तों। मतलब एक गरीब घर से हूँ, हमारा कोई खेत वत नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा है जीने भर का, वो भी हमारे जो ताऊ बोलते हैं ना, बाबा दादा जिसको बोलते हैं, उनके नाम से थोड़ा सा है, मतलब उससे थोड़ा खा जी लेते हैं। बाकी जो मजदूरी करते हैं ना दोस्तों, उसी से चावल भी खरीदता हूँ, दाल भी खरीदता हूँ, उसी से गेहूँ भी खरीदता हूँ, हर चीज़ खरीद के खाता हूँ दोस्तों। मतलब बहुत गरीब हैं हम और एक गाँव से हूँ और दोस्तों हमारा कोई मतलब ज़्यादा खेत नहीं है, थोड़ा सा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हमारा है, नहीं घर तो है, तो घर तो हमारे पापा जी बनवाए हैं और जो हमारे घर में बाइक है वो हमारे भाई जी ने खरीदे हैं। तो दोस्तों हम तो मतलब काम कर रहा हूँ, परिवार का खर्चा चला रहा हूँ, बहुत लंबा बड़ा परिवार है ना, 5-6 आदमी है, तो इसके लिए दोस्तों मतलब 700 रुपया दिहाड़ी में आप भी लोग बताइए क्या मजदूरी में क्या बचेगा, आप लोग खुद सोचिए। दोस्तों देखिए, मतलब जो 700 रुपया दिहाड़ी पाता हूँ ना, बहुत मुश्किल होता है दोस्तों उसमें घर का खर्चा चलाना, क्या बताएं दोस्तों, इतना महंगाई है ना, मतलब दाल चावल हर चीज़ खरीदना पड़ता है। बस थोड़ा सा खेत है, मतलब जीने खाने भर का है, मतलब काम चल जाता है दोस्तों, क्या बताएं, मतलब बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। मतलब देखिए, मतलब शरीर भी काला हो जाता है दोस्तों धूप में काम करते करते, फिर भी काम करते हैं, वीडियो बना करके अपने काम पे चले जाते हैं। तो दोस्तों क्या बताएं, मतलब बहुत दिक्कत झेलता हूँ, जो 700 रुपये मजदूरी पाता हूँ ना, मतलब गर्मी में देखिए मेहनत भी करता हूँ, बहुत दुख भी झेलता हूँ। तो दोस्तों बहुत मेकअप का सामान भी लाना जरूरी है, लहंगा भी लाना जरूरी है, साड़ी भी, पैसा है नहीं, क्या करूँ दोस्तों। मतलब गांव से हूँ तो जानते ही आप लोग का ना, किसी से मांगने से अच्छा अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर किसी का कपड़ा मांग के पहन लेंगे एक दिन ना, तो अगले दिन वो क्या बोलेंगे पता है, बोलेंगे कि हम दियानिए तब तू आगे बढ़ लो, चाहे दियानिए तो तू और वीडियो चला था, अगले दिन क्या एक ही घंटे में लगेंगे ताना मारने। तो इसीलिए दोस्तों किसी का कपड़ा नहीं मांगता हूँ, अपना खुद खरीदता हूँ और वही पहनता हूँ। तो देखिए अभी बगीचे में आया हूँ, वीडियो बना चुका हूँ और दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग यही है और आगे भी ब्लॉग आप लोग को दिखाएंगे क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करिएगा मोहन देवरिया ब्लॉग को। और दोस्तों देखिए, हमारा घर देवरिया जिला है और हम राम लक्ष्मण चौराहा से हैं और जो हमारा गांव है ना, गांव का नाम सूरजपुर है दोस्तों, हमारा गांव का नाम सूरजपुर का हूँ रहने वाला और वहाँ से हम मतलब वीडियो बनाते हैं सूरजपुर गाँव से और राम लक्ष्मण चौराहा और जिला देवरिया। तो दोस्तों हम यहाँ से रहने वाले हैं और ज़रूर सपोर्ट करिएगा, एक राजमिस्त्री होकर के भी वीडियो बनाते हैं। दोस्तों देखिए, मतलब एक सीढ़ी ले लिया हूँ, अभी जा रहा हूँ मतलब आम तोड़ने, वो भी हमारा पेड़ नहीं है। और देखिए दोस्तों, मतलब चोरी करने से अच्छा किसी से मांग खा लो, वही सही है। तो दोस्तों हमारा पेड़ नहीं है, अभी जा रहे हैं, मतलब बोले हैं हम थोड़ा खाएंगे पका हुआ आम, जिनका पेड़ है वो बोले हैं कि ठीक है तो लो कोई बात नहीं। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं, मतलब सीढ़ी लिए हैं कंधे पर और जा रहे हैं बगीचे में उधर, तो मतलब आम तोड़ करके एक दो खाएंगे पका हुआ। दोस्तों देखिए, मतलब बगीचे में आ गए हैं और सुबह यहीं पर वीडियो बना के गए हैं शॉर्ट वीडियो। तो दोस्तों हमारे घर के बगल में एक बगीचा है, तो जिनका आम फरा है ना दोस्तों, इसी पेड़ पर चढ़ना है, चढ़ने के लिए रास्ता भी नहीं है, मतलब वो दो कंचा दिख रहा है ना, उसी पेड़ पर चढ़ना है इधर। तो दोस्तों देखिए, मतलब सोच रहा हूँ कि मतलब उनसे बोला हूँ खाने के लिए, तो बोले ठीक है तोड़ के खा लो पका हुआ, खाने के लिए मन कर रहे आम। तो दोस्तों अभी सीढ़ी लेके आया हूँ, देखता हूँ किसी तरह मिल जाएगा तो ठीक है। दोस्तों देखिए, मतलब पेड़ पर चढ़ना है और बहुत मुश्किल है, सीढ़ी लगा दिया हूँ, उतना ऊपर चढ़ना है, बहुत ऊपर है दोस्तों, और आम खाने का मन कर रहा है पक्का हुआ पेड़ बगा। तो जिनका पेड़ है बोले हैं चाहिए, तो बोले ठीक है ले लो, तो अभी देखता हूँ चढ़ पाता हूँ कि नहीं, अभी आया हूँ। दोस्तों मतलब अभी आम तोड़ चुका हूँ और अभी हमारा पेड़ नहीं है, किसी और का है, मतलब बस मन किया खाने के लिए ना, तो बोला भाई थोड़ा हमको आम चाहिए, तो जिनका पेड़ है वो बोले कि ठीक है तोड़ दो, हम हमारे लिए भी अपने लिए भी ले लेना। दोस्तों तोड़ा हूँ और पेड़ से देखिए एक ही आम मिला हमारे नसीब में, वो भी घूल गया है। दोस्तों अभी आगे का ब्लॉग और दिखाएंगे, अभी आया था आम खाने।
दोस्तों देखिए आया था मतलब रोड पे वीडियो बनाने, तो हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और देखिए दोस्तों हमारा घर वहाँ पे है और हमको देखने के लिए इतना जनता मतलब इतना पब्लिक हमको आए हैं देखने के लिए। तो देखिए दोस्तों मतलब अभी आज काम पे नहीं गया था क्योंकि हमको काम मिला नहीं। तो दोस्तों आज आप लोग को सुबह से ब्लॉग अपना दिखाया हूँ। तो दोस्तों अभी देखिए मतलब साड़ी पहन के वीडियो बनाने आया था इस रोड पर और बहुत अच्छा लगा हमको, हमसे एक सब्सक्राइबर मिले तो बहुत खुशी हुआ। और वो हमसे हेल्प चाहते हैं तो उनको हम बुलाएं, ठीक है आओ हमसे मिलो, जितना हो सकता है हमारे से हम हेल्प करेंगे। दोस्तों हमारा कोई मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है तो अपने सब्सक्राइबर से मिलवाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सब्सक्राइबर रहे, इनसे मिलिए आप लोग। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुमित है, हम आपके छोट भाई। जी जी बिल्कुल। हमारा चैनल नेम यस आर ए कॉमेडी फनी। जी तो गाइस जिस तरह भैया जी सपोर्ट करते हैं उसी तरह हमको भी कीजिएगा, बस इतना ही चाहते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे हमको सपोर्ट करते हैं ना मोहन देवरिया ब्लॉग को, इसी तरह एक छोटा भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। फिर से एक बार चैनल बना हुआ बता दो। तो आप लोग भूल गए हो तो फिर से बता दे रहे हैं, यस आर ए कॉमेडी फनी। तो गाइस हम कॉमेडी वीडियो बनाते हैं छोटा मोटा, तो हमको भी सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं और प्लीज़ इनको भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। कोई हमारा ज़्यादा नहीं सब्सक्राइबर है, मतलब जितना भी हैं हमारा मतलब 12,000 मतलब 100 कुछ है, हम उतना ही में बहुत खुश हैं। आप लोग के दुलार प्यार मिलेगा तो शायद लाखों में पहुँचेंगे। बाकी राजमिस्त्री का काम भी करते हैं तो आप लोग को दिखाते हैं, मतलब हमारे सब्सक्राइबर से आप लोग की मुलाकात हो गया। और एक सब्सक्राइबर और दिखाए थे कि जब हम गए थे गोरखपुर वीडियो बनाने के लिए अम्बेडकर नगर पार्क, वहाँ मिले थे अचानक, हमको दो सब्सक्राइबर मिलने आए। दोस्तों इतना छोटा सा यूट्यूबर में बहुत बड़ा दिल खुश हुआ। तो दोस्तों देखिए मतलब अभी हमारे पीछे इतना पब्लिक आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों देखिए मतलब अभी खेत में आया हूँ वीडियो बनाने, अभी क्या है ना मतलब रोपनी धीरे धीरे अभी चालू हो चुका है। हमारे पीछे देखिए लोकेशन यहाँ पर, मतलब अभी मतलब किसी किसी का रोपनी चालू हो चुका है अभी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज है बुधवार और आज जाना है लोठाई के बाज़ार, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बाज़ार जाना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही है और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमको।